हेलो फ्रेंड्स, एनआईएस डीएलएड को लेकर के जो है बच्चों का गुस्सा अब फूट रहा है और फूटना भी चाहिए। एकदम मैं बोलूं तो फूटना चाहिए। जब तक आप ना अपनी बातों को रखोगे नहीं, आपकी बातों को सुना नहीं जाएगा। बोलते हैं ना कि जो बच्चा रोता नहीं है उसको खाना या दूध पिलाया भी नहीं जाता है, वही हाल है। जब तक आप आपके साथ अन्याय हुआ है, ये चीख चीख कर बोलोगे नहीं, कोई नहीं सुनेगा, दब जाएगी ये बात। आजकल जो है आप लोग भी देख रहे हो सोशल मीडिया पर इस तरह के चीजें जो है वायरल हो रही है, बच्चे करवा रहे हैं और बिल्कुल सही भी करवा रहे हैं। क्योंकि एनआईएस से जब डीएलएड करवाने की बात हुई थी तो मोदी जी का चेहरा जो है यूज किया गया था, तो अब क्या है, अब क्यों इसको जो है अमान्य घोषित कर दिया गया है। आज हम इस पर बात करेंगे, इस चीज को भी उठाएंगे। एंड दूसरा हमारा जो अपडेट रहेगा वो रहेगा आपके सुप्रीम कोर्ट केस से रिलेटेड, कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के जो है अपडेट आई हुई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएट आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचे। सबसे पहली चीज तो हम इसे उठाएंगे, ये चीजें हर बच्चे को करनी चाहिए। शेयर कीजिए अपने ट्विटर हैंडल पे, एक्स जिसको हम बोलते हैं, अपने सोशल मीडिया पर इसको जितना जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो करो। धोखा आपके साथ हुआ है तो फिर जब धोखा खा ही चुके हो तो बोलने में क्या जा रहा है आपका। आप खुद जानते हैं, ये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की तरफ से जब ये डीएलएड करवाया जा रहा था और बोला जा रहा था, उस समय मोदी जी का चेहरा यूज किया गया। सारे नियम जो है यहाँ पर लिखे गए हैं कि क्या क्या चीजें होंगी, और अब जाकर के ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने इन पर विश्वास किया कि हाँ चलो इनका नाम आ गया है तो बिल्कुल सही होगा, और अब जाकर के इस कोर्स को ही जो है अमान्य कर दिया गया। अब सोचिए कि उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी। एक तो देखो उनके साथ आप समझने की कोशिश करो, एक तो बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका एज निकल गया होगा, अब वो लोग फिर से पढ़ाई करे, फिर से डीएलएड करे, फिर से बीएड करे, ये वो अब उनके पास है। कुछ लोग तो नौकरी कर रहे हैं, एनआईओ से जो है डीएलएड करने के बाद जॉब में है, उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब वो भी सोच रहे हैं कि हम क्या करें। कल को जो है अब उन्होंने जॉब ली है, उसके बाद उनकी शादी हो गई, बच्चे हैं, अब उनकी फैमिली को वो कैसे संभालेंगे अगर उनसे उन नौकरी को छीन लिया जाता है। तो ये चीजें जब समझेंगे तभी तो हम इसमें एक्शन लेंगे। सिर्फ ये बोल देना कि हाँ एनआईएस डीएलएड के कोर्स को अमान्य कर दिया गया है, हो गया, बस ऐसे बात करके आ जाए तो नहीं होता है। हमारे पास डेली बेसिस पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों के, यही आ रहे हैं। वो लोग अपने घर में उनसे मतलब कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में अब क्या करेंगे, क्या ढूंढे। जिनके पास ऑप्शन है, जिनके पास एज है, वो तो अपना अलग से डीएलएड या बीएड की तरफ मुड़ भी रहे हैं, लेकिन जिनके पास एज ही नहीं बचा है वो क्या करें, जो सरकारी नौकरी में है वो क्या करें, ये सब जवाब कौन देगा। तो जाहिर सी बात है मोदी जी को ही देना होगा। तो इस तरह की चीजें चलाई जा रही हैं। एनआईएस डीएलएड के 14 लाख अभ्यर्थी और उनका परिवार, क्या मोदी जी का नहीं है, क्या मोदी जी उन पर ध्यान नहीं देंगे, कि इस तरह से चीजें हो रही है। बिल्कुल मेरे ख्याल से तो जस्टिस फॉर एनआईएस डीएलएड हर किसी को जो है प्रमोट करना चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से इसको कर रहे हैं। जब हमने ये चीजें देखी थी तो हमें भी लगा था कि बिल्कुल अन्याय हुआ है तो हमें खड़ा होना चाहिए। हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे थे, और इस चीज के साथ अभी हमारी टीम पूरी तरीके से एनआईएस के बच्चों के साथ खड़ी है। तो ये तो एक इंफॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट आप लोगों का है सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर के सुनवाई को लेकर जो बार बार आप क्वेश्चन कर रहे हो, मैं भी जान रही हूँ भाई, 5 मार्च निकल चुका है, मेरे पास मैसेजेस यही आ रहे हैं कि 5 मार्च के बाद आपने बोला था, अब क्या होगा। देखो भाई, जो इन्फॉर्मेशन वहां से आती है वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। 5 मार्च के बाद बोला गया था कि उसमें जो है काम स्टार्ट होगा। तो देखो, दो काम हो चुका है, एक तो उसको डिफेक्ट फ्री करवा लिया गया है, ठीक है। अब जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, जब भी आप कोर्ट में केस करते हो तो उसमें डिफेक्ट आता है, उसको हमें डिफेक्ट फ्री करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ही के केस के साथ ऐसा हो गया, ऐसा सभी केसेस के साथ होता है। सेकेंड जो होता है, आप लोगों का जो इसमें प्रोग्रेस हुआ है, पेटिशनर के नाम आप लोगों के पास अब आ रहे होंगे। पेटिशनर का नाम आपने देख लिया होगा, 303 का नाम जो है ऐड हो चुका है। बाकी लोगों का नाम जो है आगे के वीक में, यानी नेक्स्ट वीक में ऐड होगा। कल आप लोगों ने देखा था कि पप्पू सर आ करके वो अपनी बातों को रख करके गए हैं, वही सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। और क्योंकि आपके क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं
और आपके क्वेश्चंस को आंसर देना और उस क्वेश्चंस का आंसर में हमारे पास होना, ये बहुत जरूरी हमारे लिए, हम आपके लिए आंसरेबल बिल्कुल है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कल जिस तरह से उन्होंने बोला है उसके अकॉर्डिंग जो है इस वीक में जिन लोगों का नाम ऐड नहीं हुआ है उन लोगों का नाम ऐड हो जाएगा सेकंड लिस्ट के थ्रू। और अभी जो प्रोग्रेस है, दो प्रोग्रेस आपको दिखाई दे रहा है। डेट की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ये केस कब तक लिस्ट होगा, तो इस पर भी हम ये बात बोलेंगे कि जल्द से जल्द इस पर जो है डेट आपको मिल जाएगा। अभी इसमें जो भी चीजें चल रही हैं वो अगर पहला डेट मान लो कि मिलता भी है तो उसमें एक्सेप्टेंस के लिए लड़ाई होगी कि हमारे केस को एक्सेप्ट किया जाए, हमारे केस को सुना जाए, हमारे केस को सुना जाए। सबसे पहले तो बात ये, हम किस तरह से सुनाएंगे ये अलग बात है, हमारे केस को सुना जाए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं जिसके बारे में विचार करना जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से जो है बहुत सारे 14 लाख 15 लाख बच्चे जो है सफर कर रहे हैं। ये सारी चीजों को रखना होगा। तो डेट के बारे में जो है अनाउंसमेंट जैसे ही होगी हम बिल्कुल आपको बताएंगे, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमसे जो बच्चे बोल रहे हैं कि जो लोग अभी नौकरी में हैं उन पर खतरा है या नहीं। बार बार मुझे वो सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि मैम हम लोग नौकरी कर रहे हैं लेकिन हमें हर दिन डर लगा रहता है कि कल कौन सा न्यूज आ जाएगा, कल क्या हो जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, ये सुप्रीम कोर्ट का जो केस हुआ है इसकी वजह से अब इसमें जैसे ही डेट आएगी, सुनवाई होगी, अगर उसमें कुछ निगेटिव आता है, कुछ ऐसा बोल दिया जाता है जैसे कि बीएड वाले केस में हो रहा था, बीएड वर्सेस बीटीसी वाले में, कि वो सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर के जा रहे हैं वो लोग लेकिन वहां से डिस्पोज हो रहा है, ऐसा अगर होने लगा तब जाकर के आप लोगों के ऊपर जो है इमिडिएट खतरा रहेगा। खतरा तो डेफिनेटली है आपके ऊपर, बट अभी नहीं है। मैं अभी आपको रिलैक्स करने के लिए बोलूंगी, अभी थोड़ा सा रहिए, काम चल रहा है, उस काम में किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है उस पर बस ध्यान बनाए रखिए कि क्या क्या चीजें हो रही है। तो अभी अपना काम आप लोग जो कर रहे हो रिलैक्स होकर के करो, थोड़ा सा अपने हेल्थ पर भी ध्यान दो। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप टेंशन ले लोगे तो सही हो जाएगा, ऐसा रहता तो हम सब लोग जो है सारा टेंशन आप ही लोगों को देते जो नौकरी में हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके टेंशन लेने से काम हो जाएगा, काम करने से होगा और वो काम किया जा रहा है। और जैसे जैसे अपडेट आएगा हम हैं आपको बताने के लिए, वो हम आपको बताते रहेंगे। तो टेंशन फ्री होकर के जो लोग नौकरी में हैं अभी एनआईएस डीएलएड के, वो नौकरी कीजिए। अभी जैसे जैसे अपडेट होगा हम बिल्कुल आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो ये तो आप लोगों को दो जो क्वेश्चंस मेरे पास अभी रिपीटेड वे में आ रहे थे उसके बारे में मैंने आंसर किया। तीसरा जो है बिहार वाले केस को लेकर के आप लोग पूछ रहे हो कि बीपीएससी वाले TRE-3 को लेकर केस किया गया है, उसमें क्या प्रोग्रेस है। देखो मैं बीपीएससी TRE-3 के बारे में जो है अभी ज्यादा कुछ जो है सामने नहीं आया है। लिस्टिंग होगी, डेट आएगा तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे। अब एग्जामिनेशन तो आपके सिर पर है, एग्जामिनेशन आप लोगों का जो है 15 को होने वाला है तो आप लोग एग्जाम दीजिए। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी हम आपको बिल्कुल देंगे। बाकी और जो केसेस हैं उसमें अभी कोई भी अपडेशन नहीं है, जैसे अपडेशन होगा डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा यहीं से। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।